हेलो, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे। स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एक बच्चे के पेपर में स्कूल में टीचर ने दिया था उसे करने को। बच्चे ने मुझे दिया था तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन वाला है, डिफाइन अ क्लास टू इनपुट अ स्ट्रिंग, प्रिंट ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इन सेपरेट लाइन। तो जैसा ये क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्योंकि जैसा ये क्वेश्चन है हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड, उसमें बेसिक लॉजिक लग रहा है। बेसिक लॉजिक मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका जैसे सब पार्ट होते हैं ना क्वेश्चन के, जैसे दो पार्ट में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें एक पार्ट इस टाइप का आ सकता है। ऐसे चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के। जैसे स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन दे दिया तो उसमें एक पार्ट बोल दिया कि आपको हर जो स्ट्रिंग है उसे एक हर करेक्टर को सेपरेट लाइन में प्रिंट करना है और दूसरा पार्ट कुछ और हो सकता है। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूरा अपने आप नहीं आ जाता है, तो मतलब आता है ये क्वेश्चन और इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, इसमें बोला है कि हमें एक इनपुट लेना है जो होगा एक स्ट्रिंग, उसके बाद हमें उसका हर कैरेक्टर सेपरेट लाइन में प्रिंट करना है। इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे कैरेट मेथड का यूज़ होगा, जो हमारे स्ट्रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। कैरेट के साथ साथ हमारे यहाँ पर लेंथ मेथड, जिससे हम स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं। तो ये कुछ मेथड है जो हमारे यहाँ कवर होंगे। मैं इसके सीधा सॉल्यूशन पे जाता हूँ, वहाँ पर तुम्हें इसको करते हुए साथ में समझाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पर इसका कोड बनाएंगे। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर रखा है यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास को। तो सबसे पहले बोला था कि स्ट्रिंग इनपुट में लेना है, तो स्ट्रिंग s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट लाइन का हम यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर तुम sc डॉट नेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट का यूज़ हम नॉर्मली तब करते हैं जब हमें सिंगल वर्ड इनपुट में लेना है, ये मतलब एक वर्ड से ज़्यादा लेता भी नहीं है इनपुट में। और नेक्स्ट लाइन का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें सेंटेंस इनपुट में लेना है, तो नेक्स्ट लाइन दोनों इनपुट में ले लेता है। एक सेंटेंस भी हम ले सकते हैं उसकी मदद से, या हम सिंगल वर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सिर्फ एक वर्ड लेता है। तो यहाँ पर जैसा ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक सिंगल वर्ड मिलेगा, तो तुम या नेक्स्ट लाइन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, पर तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। ये डिफरेंस भी एक क्वेश्चन बन करके आ सकता है कि नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट के बीच का डिफरेंस क्या है वो बताओ, तो इसलिए उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर चलो मैंने नेक्स्ट लाइन का यूज़ करा और एक स्ट्रिंग इनपुट में लिया। उससे पहले यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इनपुट में देगा यूज़र, वो हमारे यहाँ काम आ जाएगी। हम अपने एस नाम के वेरिएबल में उसको ले लेंगे। ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे अब देखो मुझे नहीं पता ना वो स्ट्रिंग कितनी बड़ी है। जैसे यहाँ पर तुम्हें दिखाया था स्ट्रिंग ICSCDB, क्या पता कोई और वर्ड यूज़र दे दे और कोई और ही देगा, वो कुछ भी दे सकता है, हमें क्या पता वो क्या देगा, है ना। मतलब मेरे को लेंथ नहीं पता कि कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, और जब मुझे लेंथ नहीं पता है कि कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले मुझे उसकी लेंथ पता करनी पड़ेगी। ठीक है, लेंथ पता करने के लिए स्ट्रिंग में एक मेथड है लेंथ नाम का, वो लेंथ निकालने के लिए ही होता है। तो इंट, अब लेंथ जो मेरी होगी, अब लेंथ कैसी हो सकती है, अब यहाँ पर जैसे स्ट्रिंग है तो याद रखना स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो हमेशा इंटीजर होती है, कभी पॉइंट में नहीं आ सकती। तो इसलिए इसकी लेंथ को स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और वो होगा इंटीजर टाइप का, l। ठीक है, l नाम का वेरिएबल है। लेंथ किसकी निकालनी है, s की। तो जिसकी लेंथ निकालनी है उसका नाम लिखो, s है स्ट्रिंग डॉट लेंथ, डॉट लेंथ करके मैंने उस मेथड को कॉल कर दिया। तो मेथड कुछ नहीं करेगा, जो भी यूज़र ने इनपुट दिया होगा एस में, उसका वो क्या निकाल देगा, उसका वो लेंथ निकाल के हमें दे देगा। जब मुझे इसकी लेंथ मिल गई, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक लूप लगाना है। देखो जैसे यहाँ पर ICSC लिखा हुआ है, ICSC में है चार करेक्टर। ठीक है, थोड़ा नीचे तुम्हें यह समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर है IC, ठीक है, S है और है E। तो ICSC में चार करेक्टर हैं, लेकिन पहले वाले का इंडेक्स होगा 0, दूसरे का होगा 1, अगले का होगा फिर 2 और अगले का होगा 3, ऐसा होता है। ठीक है ना, तुम्हें ये पता है कि स्ट्रिंग भी एक तरीके से हमारे करेक्ट वो होते हैं, एरे की फॉर्म में ही स्टोर होता है। ठीक है ना, मैंने बता भी रखा है कई बार कि स्ट्रिंग कुछ नहीं होता, एरे ऑफ करेक्टर होता है। तो ICSC ये ऐसा समझ लो, इसमें चार करेक्टर हैं, एक है आई, एक है सी, एक है एस और एक है ई। तो ये जब हम अंदर स्टोर करते हैं इसको, तो एरे की फॉर्म में होता है, तो पहला जो कैरेक्टर है उसको इंडेक्स 0 मिलता है, अगले वाले को 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे चलता जाएगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है जो आखिरी कैरेक्टर है वो 3 है, उसका इंडेक्स पहले वाले का 0। तो अगर मेरे को लूप लगाना है तो मैं स्टार्टिंग 0 से करूँगा लूप की, और कहाँ तक चलूँगा। यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि मेरे को 3 तक चलना है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यूज़र ने ICSC इनपुट नहीं दिया था, उसने कुछ और दिया इनपुट, मतलब वो कुछ भी दे सकता है, मुझे नहीं पता ना क्या देगा। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ उसने इनपुट दिया एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें अगर इंडेक्स की बात करूँ, ये वाला 0 होगा, ये 1 होगा, ये वाला 2, ये वाला
ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7। हमें एक सिमिलैरिटी यहाँ दिखी कि भाई इनपुट में तुम कुछ भी स्ट्रिंग दे दो, स्टार्टिंग का इंडेक्स हमेशा 0 रहेगा। तो लूप की जब मैं स्टार्टिंग करूँगा यहाँ पर फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन क्या मुझे नहीं पता, अभी देखेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है, हमें बस इतना पता चला कि लूप हमेशा मेरा 0 से चलेगा। अच्छा, मैं लूप चला क्यों रहा हूँ, मैं हर करेक्टर में आने के लिए लूप चला रहा हूँ। स्ट्रिंग के हर करेक्टर को प्रिंट करने के लिए उसके हर करेक्टर में आना पड़ेगा ना, और हर करेक्टर में आने के लिए मेरे को स्ट्रिंग के ऊपर लूप लगाना पड़ेगा। बारी बारी हर एक करेक्टर में आऊँगा और उसको प्रिंट करूंगा। तो बारी बारी हर एक करेक्टर में आऊँगा तो शुरुआत पहले करेक्टर से करूँगा, और पहला करेक्टर कहाँ है, 0 इंडेक्स पे, तो इसलिए मैं 0 इंडेक्स से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, एंड कहाँ तक होगा मेरा, एंड कहाँ पे करूँगा, अब यहाँ पर तो 3 है, अब यहाँ पर 7 है, उसी के लिए हमने लेंथ निकाली थी। अब देखो ऊपर वाला अगर ICSC है तो इसमें कितने करेक्टर हैं, 4, तो उसकी लेंथ होगी 4। हमेशा याद रखना आखिरी जो इंडेक्स होता है वो लेंथ से एक नंबर कम होता है, तो अगर मेरी लेंथ 4 है तो आखिरी इंडेक्स होगा 3, एक नंबर कम कर लो उसमें से आखिरी इंडेक्स तुम्हें मिल जाएगा। ऐसी एजुकेशन को 8 करेक्टर हैं तो आखिरी इंडेक्स कितना है, 8 - 1 कितना, 7। मुझे ये बात समझ में आई कि स्ट्रिंग तुम कुछ भी इनपुट में दे दो, आखिरी का इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक नंबर कम रहेगा। तो मतलब मेरे को लूप कहाँ तक चलाना है, मेरे को लूप लेस देन लेंथ चलाना है, क्योंकि लेंथ कुछ भी हो जाए मेरा लूप उससे एक नंबर कम चलना चाहिए, मतलब लेस देन लेंथ चलना चाहिए। तो मैं यहाँ आई लिखूंगा, आई लेस देन लेंथ, और लेंथ किस में रखी हुई मैंने, एल में, ठीक है, तो आई लेस देन एल, एल में कौन है, एस की लेंथ, क्लियर। तो इस जो लूप है इसका काम सिर्फ ये है कि ये हर करेक्टर में आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, लूपिंग थ्रू ईच करेक्टर, लूपिंग थ्रू ईच करेक्टर, हर करेक्टर में हम लूप की मदद से जा रहे हैं, लूपिंग की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हर करेक्टर को ट्रैवर्स कर रहे हैं, हर करेक्टर पे आ रहे हैं बारी बारी। आने के बाद क्या करना है मुझे, हर करेक्टर पे मुझे उस करेक्टर को निकाल के प्रिंट करना है। एक वेरिएबल बना देता हूँ, कैर सी एच, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल भी निकालूंगा ना उस करेक्टर को। तो अब देखो यहाँ पर सी एच में वो कैरेक्टर निकालूंगा, कौन सा कैरेक्टर, जिस इंडेक्स में मैं हूँ, अगर मैं 0 इंडेक्स में हूँ तो मैं उसका कैरेक्टर कौन है, ई, उसे बाहर निकाल के प्रिंट कर दूंगा। 1 पे हूँ तो उसका कौन है, डी, उसे निकाल के प्रिंट कर दूंगा। ऐसे ही मैं करता जाऊंगा। तो कैरेक्टर निकालूंगा किस में से, स्ट्रिंग में से, है ना, स्ट्रिंग में से ना, ये जो भी है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये एजुकेशन ICSC, ये स्ट्रिंग है जो यूज़र ने इनपुट में दी, और उसने इनपुट में जो स्ट्रिंग दी वो कहाँ पर गई, वो एस नाम के वेरिएबल में गई। तो ये करेक्टर मेरे को किस में से निकालना है, एस नाम के वेरिएबल में से निकालना है। तो एस में से निकालना है कौन, करेक्टर। अच्छा, करेक्टर को निकालने के लिए एक मेथड है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कैर एट, तो कैर एट लिखूंगा। कैर एट में याद रखना, हमेशा जब भी मेथड में जावा में जितने भी पढ़ेंगे उसका जो सेकंड वर्ड होता है वो कैपिटल होता है और पूरा चिपका हुआ होता है, जैसे कैर एट लिखा है तो इसमें स्पेस मत देना। दूसरा, कैर में कैर स्मॉल है, एट का ए बड़ा है, ठीक है, बस। तो इस तरीके से ये तरीका है नाम को लिखने का जावा में। तो मेथड है कैर एट, तो सी एच में आएगा एस में से निकल के एक कैरेक्टर, कैरेक्टर एट, कौन सी पोजीशन का कैरेक्टर, जिस पोजीशन, जिस इंडेक्स में मैं हूँ, और किस इंडेक्स में हूँ वो कौन बताएगा, वो बताएगा ये लूप का आई वेरिएबल, क्योंकि ये इसलिए तो बनाया मैंने, ये बारी बारी हर इंडेक्स में जा रहा है, तो आई में वो वैल्यू आएगी, इंडेक्स की वैल्यू, जिसमें से मुझे करेक्टर पकड़ के बाहर निकालना है। तो मैंने ये करेक्टर पकड़ के बाहर निकाला, किस में चला गया, ये सी एच में चला गया, कौन सा, एस में से करेक्टर निकल के आई पोजिशन वाला सी एच में चला गया। अब क्या करना है, अब जो करेक्टर मेरे पास आ गया, अब इसको स्क्रीन में प्रिंट करके दिखाना है ना, मेन काम तो मेरा यही था। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, किसको प्रिंट करना है, करेक्टर को, किस में है वो करेक्टर, सी एच नाम के वेरिएबल में, तो सी एच को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने से पहले यहाँ ऊपर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि प्रिंटिंग करेक्टर इन ईच लाइन, या हाँ ये लिख देंगे, ठीक है, सिस्टम डॉट, या तुम्हें जो लाइन ठीक लगे लिख देना, डिस्प्लेइंग करेक्टर्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिस्प्लेइंग करेक्टर्स इन सेपरेट लाइन, ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा, यहाँ पर याद रखना प्रिंट एल एन लिखा है मैंने, एल एन का मतलब ये होता है कि जो भी करेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा, फिर वो कर्सर हमारा अगली लाइन में पहुँच जाएगा, मतलब सेपरेट, जब हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन में प्रिंट करना है तो हम प्रिंट एल एन का यूज़ करते हैं, बस ऐसा याद रख लो, ठीक है। एक प्रिंट भी करके होता है वो एक ही लाइन में प्रिंट करता हुआ जाता है, तो अगर हमें बोला होता कि हमें एक ही लाइन में प्रिंट करने हैं तो तब हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। मैं उस वेराइटी का भी क्वेश्चन तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी हमें डिफरेंट लाइन में करना था, मैंने प्रिंट एल एन का यूज़ किया और बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये इसका कोड है, यहाँ पर एक
इंपॉर्टेंट मेथड है कैरेट जिसका हमने यूज़ किया है, एक लेंथ मेथड है उसका भी हमने यूज़ किया है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुमने यहाँ पर ये समझा कि हम किस तरीके से लूपिंग करेंगे अपने स्ट्रिंग के ऊपर। एक बार से चला के दिखा देता हूँ तुम्हें, आउटपुट भी देख लेते हैं ना। तो पहले मैं इसमें देता हूँ ICSC, तो लिखा है डिस्प्लेइंग कैरेक्टर्स इन सेपरेट लाइन ICSC, ठीक है। अब कुछ और मैं देख के देखता हूँ, कंप्यूटर देख के देखता हूँ इस बार, ठीक है। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर देखा सेपरेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। कई बार इसका क्वेश्चन आता है तो ऐसा भी बोला रहता है कि तुम्हें इनपुट में लेने के बाद इसको पूरे को लोअर केस में करना है या पूरे को अपर केस में करना है। मान लो क्वेश्चन में बोला रहता कि स्ट्रिंग इनपुट में लो, पूरे को अपर केस में करो और उसके बाद फिर हर करेक्टर को सेपरेट लाइन में प्रिंट करो, तो कैसे करते हैं? तुमने यहाँ पर स्ट्रिंग को इनपुट लिया, अब उसके बाद तुम इसे अपर केस में करोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, तुम लिखोगे एस इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस। ये अपर केस भी एक मेथड है। अब यहाँ पर फिर से ध्यान दो, टू अपर केस तीन करेक्टर, तीन वर्ड से बना हुआ है, टू अपर और केस। टू का तो सब कुछ छोटा है, अपर का यू बड़ा है, केस का सी बड़ा है, मैंने बता रखा ना। जब भी मेथड का नाम हम जावा में लिखते हैं तो पहला जो वर्ड है उसके सारे करेक्टर छोटे रहते हैं, बाकी फिर जितने भी आते हैं उनका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो उसी तरीके से ये है, और इसमें स्पेस नहीं आएगा। ये पहले से बना हुआ जावा का बिल्ट इन मेथड है स्ट्रिंग क्लास का। क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग हम इसे देते हैं वो इसको पूरा कैपिटल में चेंज कर देता है। तो इसने पूरे को कैपिटल बना दिया, किसको? जो स्ट्रिंग हम डॉट करके लिखते हैं इससे पहले। तो मैंने एस डॉट टू अपर केस लिखा तो एस को इसने कैपिटल कर दिया। अब याद रखना यहाँ पर ये एक नई स्ट्रिंग बनाता है, इसलिए मैंने उसे वापस एस में स्टोर करा, तभी मैंने एस इक्वल टू लिखा, ताकि वो पुरानी वाली जो पूरी जो भी इनपुट दिया था वो रिप्लेस हो जाए नई वाली से जो पूरी कैपिटल में हो चुकी है। तो इसके बाद अगर मैं अपना प्रोग्राम रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो जो भी मैं अब इसको इनपुट में दूंगा, चाहे मैं इसे जैसे मैं इसको छोटे में दूँ, ICSC स्मॉल में दिया, तो आउटपुट मेरा कैपिटल में आएगा क्योंकि उसने कैपिटल कर दिया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है क्योंकि इसमें हम एक और मेथड पढ़ रहे हैं, टू अपर केस या लोअर केस, और ICSC ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें पहले बोलता है कि तुम्हें अपर केस या लोअर केस करना है। अब याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन में वो अपर केस की बजाय लोअर केस भी बोल सकता है, तो तब तुम्हें यहाँ लोअर लिखना पड़ेगा, टू लोअर केस, तो तब वो पूरे को लोअर केस कर देगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, और कोई क्वेश्चन मन में अगर फिर भी है तुमसे तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि समझ में आ गया, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और फिर अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे मन में है, कोई क्वेश्चन टीचर ने दिया है तुम्हारे प्री बोर्ड में आ रखा है, पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।